अफगानिस्तान से निकल करके भारत लौटे कुछ लोगों की आपको बातें सुनाते हैं। हमारे साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के एडवाइजर हैं, सीनियर एडवाइजर, जो कि स्वास्थ्य के मामले में आप एडवाइस देते हैं। आप पूर्व राष्ट्रपति के एडवाइजर हैं और आपका नाम क्या है सर? मैं एडवाइजर हो पब्लिक हेल्थ में, सेहत आमा में, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट का। अभी दिल्ली नया नया पहुंच गया है, बहुत तकब हुआ है, लेकिन आप लोगों का ख्वाहिश थी तो हम इसलिए खड़े हैं। चेहरे पर अभी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ क्या लोग खुश हैं अभी काबुल अफगानिस्तान में जो मौजूद है? एक महीने से सारा लोग बहुत परेशान था, लेकिन आज हम भी खुश है जो इंडिया नया नया पहुँच गया है, और वो लोग जो हमने मालूमात किया है वो लोग भी अभी खुश है, क्योंकि उसका उम्मीद ऐसा नहीं था कि तालिबान आएगा, ये नॉर्मल सिचुएशन होगा अफगानिस्तान में। लेकिन हमने जो फ़ोन किया था, अभी अफगानिस्तान में सारे लोगों को अमन है, जो पॉलिटिकल लोग है, महिलाएं औरतें है, ये सारा लोगों को अमन है अभी। क्या ऐसा लग रहा है कि अफगानी सेना, अफगानी सरकार ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिया? आखिर तालिबान की सरकार क्यों आने जा रही वापस? क्या कमियाँ रह गई अफगान सरकार की तरफ से? मेरे ख्याल में ये फैसला जो किया है, किसी को भी पता नहीं कि ये कैसा हो गया। इन्हें हमारा जो 3 लाख आर्मी था और सारा 5 लाख तक आर्मी पहुंच सकता था, लेकिन ये एक महीने में सिलेंडर होना, ये तो हमको भी पता नहीं है। मौजूदा राष्ट्रपति बताया जा रहा है कि वो तजाकिस्तान चले गए हैं, आप उन्हीं के एडवाइजर रहे हैं हेल्थ मामले में, ये इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? कल का जो मालूम था, हमारा इन्फॉर्मेशन था, वो सजा था और रशीद दोस्तों जो हमारा मार्शल है, फाइट का मार्शल, वो तजाकिस्तान गया था। हम जब काबुल में थे, प्रेसिडेंट भी काबुल में था, अभी हम फ्लाइट में आए, हमको पता नहीं कि वो भारतीयों के लिए क्या स्थिति, और खास करके महिला और बच्चों, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आज तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में वो अल्लाह को पता है कि क्या होगा। ये पुराना तालिबान होगा या आप लोग जो नए तालिबान की बात कर रहे हैं, ये नया तालिबान क्या है? ये नया तालिबान ये है कि जो वो पहले जो था, वो महिलाओं को और औरत को इजाजत नहीं था, पॉलिटिक्स लोग दूसरा फरीक को, शरिया का कानून बदल जाएगा या वही रहेगा? लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा डेमोक्रेटिक और मजहबी एक हुकूमत बनेगा। नाम सर एक बार बता दीजिए। डॉक्टर रिजवानुल्लाह मजहबी, डॉक्टर रिजवान थे और उन्होंने कहा कि ये जो आप तालिबान है, ये बदला हुआ तालिबान है। हालांकि पिछले एक महीने से काफ़ी चिंताएं थी, लेकिन अभी स्थितियां बेहतर हैं, हालांकि वो भारत आकर खुश हैं। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो जो राष्ट्रपति थे वो जाकर भागकर जो हैं वो तजाकिस्तान जाकर जा चुके हैं, सरकार जो है मौजूदा वो गिर चुकी है, और उनके तमाम जो सलाहकार और ऊंचे पदों पर लोग मौजूद हैं वो अलग अलग देशों में जाकर अपनी एम्बेसीज में जा रहे हैं। हालांकि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तालिबान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये लोग वापस जाएंगे, तो उन लोगों को अपनी जान की चिंता है। लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि जो भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं वो वहाँ पर एक तरीके के हालात बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अफगान नेशनल, अफगानी नागरिक आ रहे हैं वो अलग तरह की परिस्थितियाँ बता रहे हैं।